आज हमारा सवाल है, कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने ये वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वो शुरू करेंगे, और उस योजना में उन्होंने ये कहा था कि कृषक परिवार के शिक्षित बेरोजगार जो स्नातक हैं उनको जोड़ेंगे। कई तरह की चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन रियायती ब्याज पर 5 वर्ष के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे, बिजली में कृषि प्रयोजन के लिए 25% की छूट देंगे, सिंचाई कर में छूट देंगे, उपज के विक्रय की स्वतंत्रता और मंडी कर में छूट देंगे। क्यों उन्होंने 1.25 साल में किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वचन देके लागू नहीं की? केवल मैं नहीं, किसान भी पूछ रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।